वेट 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 फिर एक डायरी पिक्चर हाँ चलो थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे चलो ना कैमरा चलो चलो आज थोड़ा पीछे उनको चलो आगे आगे चलो इधर मैंने क्या मैम राइट एक एक करते हैं मैम यहाँ पे हर बंदा जी लेफ्ट में अरे चलो यहाँ पे लेफ्ट इंस्टाग्राम के लिए ले ले डांस मत कर भाई चलो रेडी म्यूजिक चलो बाय ऑन द लेफ्ट लेफ्ट चलो वन टू वन थोड़ा थोड़ा आगे मिला ना
मैम लेफ्ट थैंक यू एक्चुअली पहली बार तो मेरे घर में शादी है दिसंबर में मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है तो मेरे को ऐसे लग रहा है मैं कॉस्ट्यूम रिहर्सल कर रही हूँ बट आई थिंक जो भी मैंने इनकी कलेक्शन में देखा है जैसे मैं जब कल भी आई थी इन्होंने मुझे अपनी पूरी कलेक्शन दिखाई सो आई टोल्ड हिम यू नो वी वर ऑल डिस्कसिंग एंड मैंने रियलाइज़ करा इनके पास एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर द ब्राइड्स हम लोग ठीक है ब्राइडल सीजन में सिर्फ ब्राइड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं शादी उन लोगों से भी होती है जो आते हैं शादी पे सो दे हैव दिस कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ दे मेक श्योर दैट देयर समथिंग फॉर द मदर ऑफ द ब्राइड फॉर द सिस्टर ऑफ द ब्राइड फॉर द फ्रेंड्स ऑफ द ब्राइड तो एक्सपीरियंस भी एक अच्छा रहता है कि नॉर्मली क्या होता है हम एक स्टोर में जाते हैं दुल्हन का लहंगा लेने दूसरे स्टोर में जाते हैं बहन का लहंगा लेने फिर माँ की साड़ी लेने कहीं और पहुँचते हैं बट यहाँ पे सबको जब एक साथ मिलता है तो फिर खुद को ही लगता है कि हाँ चलो एक ही स्टोर में जाओ और ख़त्म करो काम एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर प्लस फिर तीनों साथ में खड़े होकर देख भी सकते हैं कि फोटोज कैसी आएंगी यू कैन कलर कोऑर्डिनेट योर क्लोथ्स रियली वेल देन Tell us about your collection. Is easy to select a clothes for Kriti? No, absolutely. I mean, Kriti is so beautiful, so it always makes it much easier. Yeah. So yeah, like for example, what she's wearing is from our latest collection. What she's unveiled as well, it's the Bride and Barat collection. So ये साल का जो हमारा wedding collection है. So it's basically the collection. It's called Bride and Barat because bride plus जो भी शादी में आ रहा है उन सब के लिए है ये collection. तो यहाँ पर we focus not just on the main wedding day but also on the mehndi outfits, the cocktail outfits, the reception, संगीत सारे events का. So what something like what she's wearing, she's looking stunning in it. And it's a little different. मतलब regular dupatta के जगह पे it's got a cape. That's the kind of style we do. We kind of create a fusion of Indian culture as well as the European touch to it. तो वो सारा कुछ कुछ हम मिक्स करते हैं उसका थोड़ा एक हेरिटेज प्लस मॉडर्निटी का एक फ्यूजन क्रिएट करते हैं सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एप्ट टू वेयर फॉर अ संगीत फॉर द ब्राइड और इफ यू आर अ ब्राइड सिस्टर यू नो एज शी सेड सो दिस इज लवली दैट यू कुड वेयर एट द वेडिंग इटसेल्फ इज वेल या सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बट ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब बनाया या फिर मतलब इट स्टैंड्स आउट व्हाइल मेकिंग अ स्टेटमेंट इटसेल्फ या बात कर लाइक जैसे भी आपने की शादी की बात हम लोग यही कर रहे हैं आई थिंक मेरे मैनेजर और मैं इनफैक्ट अगली मूवी में मैं फिर दुल्हन बनी हूँ तो कितनी बार दुल्हन बनेगी जब तक अपनी शादी होगी पजामे एम्ब्रॉयडर कराएंगे मैं भाग जाऊंगी एट द रेट आई एम गोइंग मुझे ऐसे लगता है बस बट शादियों का मजा कुछ और होता है आई थिंक मुझे I don't know about marriage, but shaadi excites me. Like the concept of wedding excites me. So I'm not complaining. ladkiyon ko sajne ka bahana chahiye hota hai. जैसे पिक्चर की बात करें ट्रेलर काफी पसंद आया जी यमला पल्ला दीवाना जी कितना अच्छा रिस्पांस मिला लोगों बहुत ही अच्छा बाजी के साथ काम करने का मौका तो ऑफ कोर्स आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म बट मौका बहुत अच्छा मिला बट ट्रेलर का रिस्पॉन्स जेन्यूनली बहुत अच्छा आया है जनता से आया इनफैक्ट मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दैट क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए कि हम मीडिया को इम्प्रेस कर लें बट वी वेरी हैप्पी वी वेरी एक्साइटेड द फिल्म इज कमिंग आउट ऑन द 31st सो फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप सब अच्छा जाए नो नो वी ओनली फिनिश वन स्केड्यूल आई एम लीविंग टू जैसलमेर राजस्थान सून आफ्टर द रिलीज ऑफ यमला पगला सो देर आई एम गोइंग अवे फॉर अ मंथ Let's see. Are you getting married in that also? In Houseful 4? You'll never know. Too soon to talk about the film. I'm not allowed to. You'll know once the trailer's out. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Fa
crush on her, looking like a princess. Thank you. So what do you like to say about the collection today? You have launched the Bride and Barat. Yes. Bride and Barat is a collection which is launched not just for the brides. As the name suggests, it's for the Barat and everyone included in the Barat. Chahe wo mummy hai, chahe wo sasu maa hai, chahe wo nanad hai, chahe wo behen hai, chahe wo maasi hai. I think wo sab ke liye hai. The whole idea is to make the shopping experience a lot easier, considering weddings are already a very, very difficult time for every family. Kharche to hote hi hai, but kaam bahut hote hai. The whole idea is ki wo ek hi baar mein agar sab kuch sort out kar sake, har alag alag store pe phone karke zarurat nahi hai pata karne ki are yaar outfit hua nahi hua, aapko pata aap ek jagah pe karoge, one person can be responsible for it and be done with it. So I think that really makes a difference. Not just the main wedding day, the whole idea is to make it easier as an experience altogether. To chahe wo aapki engagement ceremony hai ya pre wedding shoot ho gaya ya sagan ki ceremony ho gayi, shaadi to hui hi, the whole idea is ki aapko sab kuch ek saath ek hi roop ke andar mil jaye. Okay sir, tell us something about the ma'am, the wearing the attire. Aise to ma'am jo bhi pehnti hai acche hi lagte hai, but true, to exactly. Bhi what was the thought about? See, so we wanted to wear give her something jo light ho, jo thoda relaxed, isme you don't feel burdened, you know, thoda casual ho. Plus this is something which is multi-purpose. Matlab, ye aap kisi, you can tomorrow wear it at your best friend's wedding, yeah, also, yeah, at your sister's wedding. Also, bride can wear it at her sangeet or mehndi, those kind of events. Because, yeah, jaise, isme cape sleeves diye hue hain, to mehndi agar kisi ko karna ho, so hands are free. Yeah. You don't have to handle the dupatta. So it's a very multi-purpose sort of a lehenga. Iske colors, they're looking beautiful on her, which I think everything does. But it's looking lovely. So it's something jo thoda sa traditional plus modernity ka mix hai isme. That's why we chose this song. Okay, Kritiyam, how do you relate with the costume and the attire sir have designed over you? अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है दुल्हन बनने की, दुल्हन की बहन बनने की. बट नो, वेरी वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक सब हर लड़की को सजना बहुत अच्छा लगता है, तो आई लव अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस. बट आई एम जेन्युइनली वेरी 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 हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ कल्कि, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली, एंड फॉर अस स्टोर्स लाइक कल्कि आर अ सेविंग ग्रेस. आई मीन मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी तब भी, यू नो, इट्स कॉन्सेप्ट स्टोर्स लाइक दीज दैट हैव ऑलवेज वर्कड फॉर पीपल. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके. ओके, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू ही होने वाला है अभी से. जी जी. तो कोई टिप देना चाहिए, बिकॉज अभी से ही शुरुआत हुई और अब तो फिर चले ही चले और आपके भी घर पे है. जी हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रीद, स्टॉप टेकिंग सो मच स्ट्रेस, और टाइम से पहले चीज़ें कर लो. हमेशा ये मत सोचो कि यार दो महीने में लहंगा बन जाएगा. नहीं, थोड़ा पहले लेकर रख लो. अब कुछ नया नहीं आने वाला, जो बनाना है अभी बनाना है, बना के रख लो. एंड डोंट बी डिफिकल्ट, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. आई थिंक ऑल्सो अनदर ग्रेट थिंग अबाउट कल्कि इज इट्स अ बजट स्टोर. आई मीन देर इज स्टफ इन एवरी बजट. चाहे आप वो थोड़े कम से लेना चाहते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं, दैट समथिंग दैट दे आर वेरी गुड एट मेकिंग श्योर दैट द कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद वॉट एवर दे नीड विद इन अ बजट. सो आई थिंक दैट इट सेल्फ मेक्स इट ग्रेट. तो हाँ, बजट शॉपिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अ वेडिंग. डोंट गो आउट ऑफ योर बजट. मेक श्योर दैट यू वो क्या लगाते हैं हॉर्सेस को, ऐसे ब्लाइंडर्स लगाते हैं, वो लगा के बजट बनाओ और उसको फॉलो करो बस. ओके, यू हैव एडवांस मॉम ऑफ फॉलोअर्स इन सोशल मीडिया एंड बाहर भी बहुत है, और स्पेशली आपकी अटायर और जो लाइफस्टाइल है आपकी, उसको बहुत ही पसंद किया जाता है. सो हु इज योर आइकॉन, फैशन आइकॉन? माय मॉम. आई थिंक माई लव फॉर पेस्टल्स कम्स फ्रॉम माई मदर. उनका वार्डरोब खोलेंगे तो आपको सिर्फ लाइट कलर्स दिखेंगे. आई थिंक दैट आई गेट फ्रॉम मम्मा ऑल्सो, बिकॉज माई मॉम रन्स अ बुटीक. सो आई नो, यू नो, इन टर्म्स ऑफ टेलरिंग एंड सिलोएट्स, दैट समथिंग आई अंडरस्टैंड. नॉट क्लोज लाइक दिस, बट आई अंडरस्टैंड सिलोएट्स. सो आई थिंक दैट आई बीन वेरी ब्लेस्ड विद हैविंग अ मदर लाइक दैट. सो या, थैंक्स टू हर आई गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन. ओके, लास्टली कल आपकी ट्रेलर लॉन्च थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा मीडिया से भी और लोगों से भी. जी. तो कैसा एक्सपीरियंस था? कल तो मैंने वैसे ही पूछा ही. जी जी जी. तो कैसा एक्सपीरियंस था? बट वैसे भी हाउसफुल 4 भी आ रही है. जी. तो मल्टी स्टारर के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मुझे प्रैक्टिस हो गई है वाईपीडी में तो बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल तो हाउसफुल. दैट्स नॉट एन इशू. बट पहली बात तो मैं ट्रेलर के रिस्पॉन्स के लिए मीडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दे वर वेरी एनकरेजिंग. जो रिस्पॉन्स मैंने कल थिएटर में देखा, शायद ही मैंने पहले कभी देखा है. तो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली. तो उसके लिए मैं मीडिया को पहले थैंक यू बोलूँगी. एंड ऑफकोर्स द ऑडियंस, द फैंस, मेरे तो बहुत दूर के हैं, बट ऑफकोर्स ड्यूअल फैमिलीज, फैंस, उन सबको तह दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि डिस्पाइट इट बींग सो मेनी ईयर्स, धर्म सर
still a superstar and will always be. And वो ये बोलते हैं कि हमने खुद को नहीं बनाया है, हमारे लोगों ने हमें बनाया है. तो yeah, thank you. Thank you, thank you, best of all. Thank you.